दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। आपके आने वाले एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए और सक्सेसफुली पास करने के लिए आप हमारे एक्सपर्ट टीचर के फ्री क्लासेस को जरूर देखें। मैथ्स, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर और सभी आने वाले एग्जाम के हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है, जिसको क्लिक कर आप हमारे एक्सपर्ट टीचर के फ्री क्लासेस को बिल्कुल देख सकते हैं और इसे देखकर आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो जल्दी करिए, नीचे इस देखो कि बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, इसमें आप आओ और मैथ, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर और जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके प्लेलिस्ट को ओपन करो और वो उसको जरूर 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 दो। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए आगामी खेल आयोजन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो भी आपके दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन हुआ है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है तो यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1930 में, हैमिल्टन कनाडा में पहली बार हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक 4 वर्ष बाद इन खेलों का आयोजन होता है, इसमें केवल राष्ट्रमंडल सदस्य देश ही भाग लेते हैं। ठीक है, और अब दोस्तों बात कर लेते हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल की। तो आपको बता दें कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड में हुआ था। शुभंकर याद रखिएगा, 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था बोरोबी और इसमें टोटल कंट्रीज शामिल थी 71। ठीक है, इसका थीम था दोस्तों 21वें राष्ट्रमंडल खेल का, याद रखिएगा, शेयर द ड्रीम। और इसमें बता दें कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था 198 मेडल के साथ, भारत की बात करें तो इंडिया था 66 मेडल के साथ, इसमें 26 गोल्ड था, 20 सिल्वर और 20 कांस्य पदक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में उद्घाटन समारोह भारत की ध्वजभाग कौन थी? तो PV सिंधु थी। ठीक है, समापन समारोह में भारत की ध्वजभाग थी मैरी काम। ठीक है, तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और अगला जो होगा दोस्तों, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में बर्मिंघम में होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फिर का याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा, शुरुआत हुई थी 1930 हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले का भी याद रखिएगा दोस्तों, जो 20वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कहाँ होगा? दोस्तों 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019 में होगा काठमांडू नेपाल में। ठीक है, कहाँ पे होगा? काठमांडू नेपाल में। देखिए दोस्तों, पहली बार जो आयोजन हुआ था दक्षिण एशियाई खेलों का 1984 में हुआ था, पहली बार भी काठमांडू नेपाल में हुआ था। देखिए, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय खिलाड़ियों में सहयोग एवं मैत्री भाव को विकसित करने के उद्देश्य से दक्षिण खेल का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कहाँ होगा? काठमांडू नेपाल में, पहली बार 1984 में काठमांडू नेपाल में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड है, 18वें एशियाई खेल 2018 का कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों 18वां एशियन गेम 2018 आयोजन हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एशियन गेम्स की बात हो रही है तो एशियन गेम्स रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो याद रखिएगा, अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, एशियन गेम्स की शुभारंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी? 4 मार्च 1951 को हुआ था, नई दिल्ली में पहली बार खेला गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके अलावा थोड़ा 18वें एशियन गेम्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रत्येक 4 वर्षों में इसका आयोजन होता है। और दोस्तों 18वें एशियाई खेल के बारे में आपको बता दें कि ये जकार्ता तथा पोलेमबैंग में इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है और इसका उद्घाटन हुआ था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा, जोको विडोडो द्वारा। ठीक है, इसकी थीम थी एनर्जी ऑफ एशिया, 2018 की थीम थी एनर्जी ऑफ एशिया। और 18वें एशियन गेम्स का शुभंकर क्या था? भिन भिन, अतुंग और काका। ठीक है, भिन भिन एक पक्षी है, अतुंग हिरण और काका एक सिंह वाला गेंडा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें बता दें दोस्तों, 18वें एशियन गेम्स में 40 खेलों में 465 स्पर्धाएँ हुई थी। ठीक है, और इसमें भारत का बात करें अगर पदक तालिका की, तो भारत 8वां स्थान था, 15 स्वर्ण, 24 रजत, 30 कांस्य के साथ, 69 मेडल के साथ 8वें स्थान पर था। ठीक है, प्रथम देश था चीन, टॉप पर था चीन। ठीक है, टोटल 289 मेडल के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें अगर बात करें भारतीय ध्वजवाहक की एशियन गेम्स में, तो उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा थे, ठीक है, जेवलिन थ्रोवर हैं उद्घाटन समारोह में, और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी रानी रामपाल, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों इससे पहले इंडोनेशिया जो है 1962 में मेजबानी किया था।
तो 18वें एशियाई खेल 18 कहाँ आयोजित हुए हैं, ये हुए जकार्ता इंडोनेशिया में, उससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखिएगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड 18वें एशियन गेम्स में मिला है, रिकाको इकी जापानी तैराक हैं ये, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां एशियाई खेल 2022 में कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों 19वां एशियन गेम 2022 में ये होगा हांगजू चीन में, ठीक है, हांगजू चीन में, ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों, 21वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ। दोस्तों रूस में, ठीक है, 21वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 कहाँ हुआ है, रूस में हुआ है। अब फीफा से रिलेटेड भी फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फीफा के बारे में जान लीजिए, FIFA, फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी, 21 मई 1904 को, ठीक है, 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों फीफा के गियानी इन्फेंटिनो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो याद रखें, गियानी इन्फेंटिनो। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में उरुग्वे में, ठीक है, विजेता भी उरुग्वे था, ठीक है। तो अब बात करते हैं 21वें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा, तो इसका आयोजन हुआ है मॉस्को रूस में, शुभंकर था जाबी काका या चश्मा पहने हुए भेड़िया, और इसका अर्थ है जो स्कोर कर सके। इसका गीत था दोस्तों इस बार का लिव इट अप, ठीक है, और विजेता था दोस्तों फ्रांस। बॉल का नाम क्या था इस बार फीफा वर्ल्ड कप में, याद रखिएगा, टेल स्टार 18, ठीक है, टेल स्टार 18 बॉल का नाम था, और विजेता फ्रांस था। दूसरा ये दूसरा खिताब है फ्रांस का, इससे पहले 1998 में जीता था, ठीक है, और उप विजेता थे क्रोएशिया, पहली बार फाइनल में पहुँचा है। कुल 32 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और पनामा आइसलैंड पहली बार पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे बता दें कि दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था हैरी केन को, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने 6 गोल किया था, और फीफा प्लेयर प्ले ट्रॉफी मिला था स्पेन को, ठीक है, स्पेन को, और गोल्डन बॉल मिला था दोस्तों लुका मैड्रिक, क्रोएशिया के बेस्ट प्लेयर, गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लुका मैड्रिक को, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 21वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 कहाँ हुआ है, रूस मॉस्को में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कहाँ होगा। तो 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में होगा दोस्तों कतर में, इससे पहले मैंने आपको बताया कि रूस के मॉस्को में हो, तो अगला भी याद रखिए कतर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 8वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 में कहाँ होगा। दोस्तों 8वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 में फ्रांस में होगा, कहाँ पर, फ्रांस में, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप 2017 कहाँ हुआ। दोस्तों अंडर 19 एशिया कप 2017 हुआ मलेशिया में, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 था दोस्तों, महिला T20 वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित हुआ है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2018 आयोजित हुआ वेस्ट इंडीज में, ठीक है, वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 13वां ICC एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 में कहाँ होगा। 13वां ICC एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2023 में होगा 13वां ICC एकदिवसीय वर्ल्ड कप, ये होगा भारत में, ठीक है। और जो कि दोस्तों जो 12वां ICC एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये होगा 2019 में इंग्लैंड वेल्स में, ठीक है। 13वां होगा 2023 में और 12वां 2019 में होगा, तो याद रखिएगा 12वां ICC एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में होगा, जबकि 13वां ICC 2023 में जो होगा वो भारत में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 14वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ है। तो हुआ है इंडिया में, ठीक है, 14वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 भारत में। अगला क्वेश्चन है, 14वां महिला हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ हुआ। तो हुआ दोस्तों 14वां महिला हॉकी विश्व कप लंदन में, ठीक है, ऑप्शन ए लंदन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 32वां ओलंपिक खेल 2020 में कहाँ होगा। ये होगा दोस्तों टोक्यो जापान में, ठीक है, जापान की कैपिटल राजधानी टोक्यो में होगा 32वां ओलंपिक खेल, ठीक है। अगला दोस्तों, 33वां ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा। दोस्तों ये होगा पेरिस फ्रांस में, ठीक है, ऑप्शन ए। 33वां ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। 34वां ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ होगा, तो ये होगा दोस्तों लॉस एंजल्स अमेरिका में, ठीक है। 34वां ओलंपिक खेल 2028 कहाँ होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में। देखिए 32वां होगा टोक्यो जापान में 2020 का, और 2024 का जो ओलंपिक गेम्स है 33वां, ये होगा पेरिस फ्रांस में, और 34वां होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को जरूर लाइक कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं डेली हैंड रिटन नोट्स शेयर करता हूँ सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक क्लिक करके आप जरूर फॉलो कर लीजिए।
ठीक है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ, और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो, ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी जीके, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।